कितने भी सबूत दे दीजिए, कितने भी तथ्य पेश कर दीजिए, लेकिन पाकिस्तान ये कभी नहीं मानता कि उसी की जमीन से आतंकवाद को सींचा जा रहा है। मानने को तैयार ही नहीं होगा कि पाकिस्तान में ही आतंकियों की फैक्ट्री चलती है। कभी नहीं मानेगा कि पाकिस्तान की धरती से ही भारत के खिलाफ साजिश रची जाती है। तो जो हमने हैंड आउट दिया है उसके अंदर कुछ जो नाम है जो कि हमें डोजियर में भी शामिल थे, कुछ उनको हम एविडेंस हमने मजीद मांगा है उनसे, जो कि फॉरेन ऑफिस को डील कर रहा है। जहाँ से हमें मजीद इंफॉर्मेशन और आएगी तो हम उसके ऊपर देखेंगे। जो लोग हमने अपनी हिफाजती तवील में लिए हैं उसके अंदर जो 44 लोग हैं और ये मुख्तलिफ तंजीमों के हैं, और उसके अंदर हम मजीद इसके अंदर जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आतंकियों पर तथाकथित एक्शन का ढिंढोरा पीटने के लिए पाकिस्तान के अफसर के साथ इमरान खान के मंत्री भी बैठे, लेकिन उनकी फिसली जुबानें पाकिस्तान और इमरान खान की ओर से किए जा रहे दावों की पोल खोल। और सबसे बढ़कर ये कि अक्रॉस द बोर्ड अब पाकिस्तान की जमीन और पाकिस्तान को किसी लेवल पर किसी भी कैपेसिटी में कोई मिसयूज नहीं कर सकेगा इंशाल्लाह। यानी कि अब पाकिस्तान के मंत्री भी मान गए कि अब तक पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकियों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता था, मान गए कि पाकिस्तान में ही आतंकियों का पनाह है, मान गए कि पाकिस्तान में ही बैठकर भारत के खिलाफ साजिश रची जा रही थी। और सबसे बढ़कर ये कि अक्रॉस द बोर्ड अब पाकिस्तान की जमीन और पाकिस्तान को किसी लेवल पर किसी भी कैपेसिटी में कोई मिसयूज नहीं कर सकेगा इंशाल्लाह। हालांकि अब इमरान खान के मंत्री कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जमीन आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं करने दी जाएगी, कह रहे हैं कि सब ठीक होगा, कह रहे हैं कि अब आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन भरोसा करें तो कैसे। इतिहास उठाकर देख लीजिए, पाकिस्तान ने जो वादा अब तक किया है उसे पूरा न करने का रिकॉर्ड भी है। हालांकि भारत की जनता ये जानती है कि आतंकवाद के खिलाफ किस देश की जमीन का इस्तेमाल होता आया है। दुनिया को ये पता है कि आतंक की फैक्ट्री का मुख्यालय कहाँ है, बस एक बेचारे इमरान खान हैं जो अब तक अनजान है, या शायद जानकर भी अनजान बने हैं। हमेशा एक ही रट लगाते हैं, हमारे मुल्क को अमन पसंद है, अमन पसंद है, अमन पसंद है। मुल्क चाहता है अमन, वो पाकिस्तान है। मुल्क चाहता है अमन, वो पाकिस्तान है। खैर, एक बार फिर से पाकिस्तान की ओर से आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई का ढकोसला किया गया है। ढकोसला इसलिए क्योंकि कार्रवाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति की गई है। अब देखना है कि आतंक के खिलाफ पाकिस्तान कभी कदम उठाता है या फिर यूं ही ढकोसला करता रहता है।